अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम विद योर फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट शीट्स को सॉल्व करने का सेशन, जिसमें हम आपको असेसमेंट शीट को सॉल्व करवाएंगे और जो आपका प्रॉब्लम असेसमेंट शीट में आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। टू स्टार्ट आवर सॉल्विंग सेशन, हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। असेसमेंट शीट में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपके पास टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। यहाँ आपके पास MCQs दिए हुए हैं, टिक द राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विनीगर कंटेंस डैश एसिड्स। विनीगर में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, मैलिक एसिड या स्टीरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है एस्टिक एसिड। विनीगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है सेकेंड MCQ, द किंग ऑफ केमिकल्स इज। किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है? HCl, NaCl, H2SO4 या HNO3। तो किंग ऑफ केमिकल इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। लैक्टिक एसिड किस में होता है? ग्रेप्स में, आंट, स्टिंग, टोमेटोज या योगर्ट। तो लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट है? योगर्ट, दही में होता है। फोर्थ MCQs है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट। एसिड्स रिएक्ट करें जब किसी मेटल के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, इवॉल्व कौन सी गैस करते हैं? H2, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस या CO2। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एसिड विद एग्जांपल। एसिड्स को डिफाइन करें। द कंपाउंड्स विच कैन प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस करें क्या एच पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। इसके अलावा H2SO4 भी, HNO3, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं किसकी? एसिड्स की। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज लिखनी थी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट सार होता है, ठीक है। सेकेंड ऑफ प्रॉपर्टी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स के जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन सम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस लिखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेबोरेटरी में यूज करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को ख़त्म करने के लिए। सेकेंड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर्स खादें बनाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। कौन सी खाद? अमोनियम सल्फेट बनाने में हेल्प करती है हमें, जो कि पौधों की फर्टिलिटी के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है जी। ये आपके MCQs भी हो गए और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए। होप आपको लेक्चर में जो भी सॉल्विंग सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इसमें क्लियर हो गई होगी। आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs अपने असेसमेंट शीट पे सॉल्व करने हैं और उनको लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह हाफिज़।